जो मैथ क्या जी की जो मैथमेटिकल नेचर है, या वाइज मैथमेटिक्स हो, वाइज नेचर हो मैथमेटिकल, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनके मुताबिक कोई डिस्कशन वो करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो मुझे दो मेन क्वेश्चंस आए हैं वो ये है कि हाउ इज मैथमेटिक्स रिलेटेड टू रियलिटी एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इटसेल्फ, ये दो मेन क्वेश्चंस हैं। और फिर ये है कि कैन मैथमेटिक्स एक्सप्लेन एवरीथिंग, व्हाई इज मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ, हु इन्वेंटेड मैथ, आई डोंट नो हु इन्वेंटेड मैथ, हाउ इज मैथमेटिक्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ये सारे तकरीबन एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया कि हाउ डू यू नॉट क्राई इन मैथ, आई मीन मेरे लिए पूछना चाह रहे हैं कि गालिबन कि मैथ इनको मुश्किल लगता है, तो अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है, कोई हाथ खड़ा करें, कितने लोग कोई इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दें, वरना फिर मैं इनमें से कोई चीज़ लेके उसके ऊपर कुछ अर्ज करता हूँ, तो बाकी लोग जो है फिर उसमें से क्वेश्चन जो है वो मजीद आगे डिस्कशन जो है वो हम चला सकते हैं। सर वीडियो में नहीं आ सकते सर आप प्लीज। मैं वीडियो कर लेता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक दफा करके देख लेता हूँ, अगर खराब हो गई तो फिर मैं उसको ठीक कर लूंगा। अच्छा चलें, गालिबन आपको आप कुछ वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, शायद आप इससे कांटेक्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर समझें कि इससे कांटेक्ट बेहतर हो जाता है। हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि आप में से किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा है, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो हाथ खड़ा कर दें प्लीज़। अच्छा तो चलें ठीक है, तो बेसिक मैं जो दो चार बातें कर देता हूँ उसके बाद अगर डिस्कशन को आपने अलग करना है तो यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट। ये अली से मेरी शुरू में बात हुई थी तो यही डिसाइड हुआ था कि इट विल नॉट बी अ प्रेजेंटेशन, इट विल बेसिकली बी अ डिस्कशन। तो आप में से ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने जो नस्ट में कुछ एक दो हफ्ते पहले जो डिस्कशन हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, हाथ खड़ा करके बता देंगे। अच्छा चलें, इसका मतलब है कि आप लोगों ने वो डिस्कशन नहीं देखी हुई, ये जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया तो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ से डिस्कशन को शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे डिस्कशन ये इस तरह से शुरू हुई थी और गालिबन वही मोटिवेशन बनी थी इस आगे मजीद डिस्कशन का, क्योंकि वो लोगों का ख्याल था कि वहाँ पे डिस्कशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो क्वेश्चन ये था कि मैथमेटिक्स अगर से इतना हेल्पफुल है, लेकिन क्या मैथमेटिक्स हिंडर भी कर सकता है जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी थॉट की डेवलपमेंट है, या हमारी जो डिस्क्रिप्शन है नेचर की, इतनी उसने आसानियाँ प्रोवाइड की हैं, एक टूल है, लेकिन क्या वो हिंडर भी कर सकता है इसकी एक इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब शुरू में आपने कोई टूल बनाया होगा, लेट्स से कोई जंग जंग जो है वो लोगों को बड़ी पसंद है, तो जंग का आपने कोई टूल बनाया होगा, लेट्स से कि आपने कोई पत्थर उठा लिया होगा जंग करते हुए या इस तरह से, लेकिन वो एक छोटा सा एक कदम होगा, लेकिन उसको चलाते चलाते जब आप आखिर में आप एक F-25 F-22 रैप्टर पे पहुंच गए हैं, या उसके बाद सिक्स जनरेशन वॉरप्लेन की अगर हम बात करें जो AI है, तो अब आप उससे बाहर निकल के सोचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर ये मेरे दुश्मन के पास ये चीज़ मौजूद है और मेरे पास नहीं है, सो वो सिर्फ एक टूल नहीं रहता, इट बिकम्स समथिंग इन ऑफ इटसेल्फ। सो क्या मैथमेटिक्स भी इस तरह से है कि हमने एक टूल बनाया था, शुरू में हमने वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना था, या हमने पोजीशन को डिस्क्राइब करना था, या हमने इस तरह की कोई छोटी मोटी बातें क्लासिकल मैकेनिक्स में करनी थी, हम एरिस्टोटल से कुछ आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और डिस्क्रिप्शन से आगे हम चाहते थे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को बीच में शामिल करें तो प्रिसीजन जो है वो हमारे पास हो, तो इन चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद अब हाल ये हो गया है कि अगर जो मैथमेटिक्स है वो खुद डिक्टेट करने लग गया है, खास तौर पे आपने देखा होगा कि वो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स होंगे
और जो भी मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है उनमें से कई लोग हैं जो के और इंक्लूडिंग मिसाल के तौर पर द स्पीकर इटसेल्फ, मुझे भी जब आप कोई चीज़ नई नई सीखते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मैथमेटिक्स जो है उसको अलग कर सकें जो चीज़ आप सोचना चाह रहे हैं। जबकि जब आपसे कहा जाता है कि जी इस पे इस ये एक सब्जेक्ट है इसको पढ़ लें, इसका कोई आपसे एग्जाम होगा बाद में, तो आप बेसिकली जो है ना वो मैथमेटिक्स को लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्या है और वो क्या है, और जब आपसे कहते हैं कि ये प्रूफ है तो उस प्रूफ का जेन आपके जेन में मतलब ये होता है कि ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो हमने एक खास ऑर्डर में कर दी हैं और इसी का नाम प्रूफ है। तो और मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है वो अपनी ज़ात में एक चीज़ मौजूद है अलग से, लेकिन उसका रियलिटी से क्या ताल्लुक है और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में किस तरह से इजाफा कर रहा है, ये बात जो है वो एक पीछे चली जाती है। और बहुत मुश्किल होती है लोगों को कि वो किसी तरीके से अपने आप को इस चीज़ से एक्सट्रिकेट कर सकें, और जो लोग अपने आप को फिर इस चीज़ से एक्सट्रिकेट कर पाते हैं आइडियाज़ और जो नए आइडियाज़ हैं और फिर उन जनरेट करना आम तौर पे उन लोगों का काम होता है। लेकिन अच्छा एक और बात भी होगी यहाँ पर, थोड़ी सी मैं डाइग्रेशन कर दूँ कि मैं कोई बात कर रहा हूँगा और बात करते करते मैं किसी टेंजेंट पे निकल जाता हूँ, ये गालिबा मैंने पहले भी कहा हुआ है, कुछ लोग जो है यहाँ पर उनको मालूम है, और फिर मुझे असल बात भूल जाती है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था। तो अगर कुछ लोग थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि वो मुझे अगर कोई मैं बात भूल लूँ और मैं पूछूँ तो वो मुझे लुकमा दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सो बहरहाल, सो बात हो रही थी कि मैथमेटिक्स इन इन ऑन इटसेल्फ एक चीज़ बन जाता है और फिर मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को उससे एक्सप्लिकेट कर सकें। इसकी आप कहें कि अच्छा ठीक है ये तो कुछ कमज़ोर लोगों की बात है और इस तरह से हो जाता है और वो लोग जो असल में फिजिक्स करते हैं या नेचर या साइंस करते हैं वो इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स ने अब ये बहरहाल ज़रा मेरा अपना एक बायस है और वो मैं बयान करूंगा, जाहिर है ज़रूरी नहीं कि ये ठीक हो और ज़रूरी नहीं कि सारे लोग इससे एग्री भी करें, लेकिन पार्टिकल फिजिक्स में जब से ये डेटा आना जो है वो ख़त्म हुआ है पिछले 2 दहाइयों से या उससे कुछ पहले से, या क्वांटम ग्रेविटी की जो साइड है जिसपे जो बहुत दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर तो लोग मैथमेटिक्स को ही फिजिक्स समझना शुरू हो गए मेरे नज़दीक। वो एक मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है और मैथमेटिक्स की जो सिंप्लिसिटी है और जो उन्होंने पहले आइडियाज़ डेवलप कर लिए हुए हैं उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था उसी को आगे लेके चल रहे हैं और समझते हैं कि इसी तरीके से हम असल में आगे मजीद फिजिक्स कर सकते हैं। तो वो अपने मैथमेटिक्स के बाकायदा होस्टेज बन गए हैं मेरे नज़दीक। मिसाल के तौर पर आइडिया ये है कि जी आपने फिजिक्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल देखनी है, तो उसमें वो क्या करते हैं, तो आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि जी कोई आप और ग्रुप देख लें, आप कोई बड़ा ग्रुप देख लें जिसको आप जो स्टैंडर्ड मॉडल का ग्रुप है उसमें कन्वर्ट कर सकें, उसमें तोड़ सकें, और वो यूनिफिकेशन को ये समझते हैं कि इस तरह की कोई एक बड़ा ग्रुप होगा और उस तरह से हम यूनिफाई कर सकते हैं। ये ठीक है कि ज़रूरी नहीं कि ये बात गलत हो, लेकिन ये बात कहाँ से आ रही है, ये बात इस यहाँ से आ रही है कि आपने एक मैथमेटिक्स डेवलप किया वो बड़ा कामयाब रहा, अब उस मैथमेटिक्स ने आपको किसी तरीके से मेरे नज़दीक इंट्रेंस कर लिया है और मजीद जेन्युइन नई बात सोचना आपके लिए मुश्किल हो गया। और ये मिसाल के तौर पर ये बात सोचना कि चले वो बात बाद में बात करते हैं उसको, तो मैथमेटिक्स ये बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ही होता है, ये बात भी है कि मैथमेटिक्स जो है वो कंस्ट्रिक्टिंग भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टिंग भी हो सकता है। तो ये बात हो रही थी वहाँ पर और इसमें मैंने 2 बातें की थी मज़ीद आगे। आई एम सॉरी, ये कब से म्यूट हुआ हुआ है? रिजल्ट ठीक है, अभी अभी जस्ट 1 सेकंड में हुआ था। अच्छा, ये खुद ही म्यूट हो गया था। बस ये अच्छा पार्टिसिपेंट्स हाँ, ये इसका को ख्याल, म्यूट कर रहे थे तो उसमें हो गया। अच्छा चलें ठीक है, इसका फिर ख्याल रखें खुद ही। तो जी सर, उसमें मैंने 2 बातें की थी, एक तो लैंग्वेज और जो थॉट का ताल्लुक है मेरे नज़दीक वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
लैंग्वेज और थॉट का जो ताल्लुक है उसके ऊपर मैंने वहाँ पर कुछ बात की थी। और अगर आप मैथमेटिक्स को साइंस की लैंग्वेज के तौर पर लें और इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, एक तो यह है ना कि आप एक वैसे ही एक बना हुआ है प्रोवर्ब सा कि जी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इस तरह की बात। लेकिन अगर आप वाकई इसको सीरियसली लें और सोचें कि लैंग्वेज क्या होती है, वो एक कम्युनिकेशन का जरिया होती है, और ना सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया होती है बल्कि आपकी थॉट्स को प्रिजर्व करने का एक तरीका होती है, एक कॉमन एबिलिटी होती है कॉन्शियस बीइंग्स के दरमियान, जो उनको एक दूसरे के ख्यालात समझने की मदद देती है। तो इस सूरत में अगर आप इतनी लैंग्वेज को यहाँ तक रखें और मज़ीद आगे इसकी और भी गहराइयाँ होंगी और उनको भी किया जा सकता है, मुंतबिक किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ तक देखें तो मैथमेटिक्स जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि एक लैंग्वेज है जो हमने डेवलप की है, एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कम से कम हमारी जो स्पीसीज जो जिस तरह से डेवलप हो रही है उसमें हमने एक ये यूनिवर्सल ट्रेड डेवलप कर ली, एक यूनिवर्सल एबिलिटी है हमारी कि हम जो मैथमेटिक्स है उसको यूनिवर्सली समझते हैं। और वो हमें जो हमारी एक प्रोग्राम है कि हमने नेचर को समझना है और रियलिटी के करीब होना है, ये दोनों अपनी ज़ात में एक और बातें भी हैं। अगर आप चाहेंगे इनके मुतालिक भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं टेंजेंट के ऊपर निकल जाऊंगा अगर मैं यहाँ पे शुरू करूंगा। लेकिन एनी हाउ, सो रियलिटी को आप समझने के करीब जो भी हो रहे हैं, जो भी आपने पता नहीं मैं क्या कह रहा था, बहरहाल जो भी आपने एक प्रोग्राम शुरू हाँ जो आपने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ रियलिटी को समझने का, उसको प्रिजर्व करने का, उसको कम्युनिकेट करने का, और एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप करने का कि जो आपके ख्यालात को उस रियलिटी के बारे में जो आपके ख्यालात हैं उनको आगे कम्युनिकेट करने का, उनको आगे बढ़ाने का, लोगों में डिसेमिनेट करने का, वो एक तरीका बन गया हुआ है मैथमेटिक्स जो है। तो अगर आप इसको ऐसे समझें और जो नेचर के बारे में जो आप समझना चाह रहे हैं उसको अगर आप थॉट समझें, तो ये एक डिस्कशन लिंग्विस्ट ने और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और सोशियोलॉजिस्ट ने ये बहुत उठाई हुई है कि लैंग्वेज और थॉट का रिलेशनशिप क्या है और लैंग्वेज किस तरह से थॉट की को कंस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्ट करती है और किस तरह से एड करती है। पहले तो जाहिर है एक बात तो क्लियर है कि जो हमारी जो रिफाइंड थॉट्स हैं जिनको हम आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिफाइंड थॉट्स, अब आप पूछेंगे अनरिफाइंड थॉट्स क्या हैं, तो वो फिर एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। लेकिन जो चीज़ें भी आप सोचते हैं आपके कॉन्शियस में जो चीज़ आपके दिमाग में एक ख्याल के तौर पर उभरती है वो हमेशा लैंग्वेज के अंदर होती है। जबान के बगैर आप सोच नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, मतलब कि कम से कम रिफाइंड थॉट जो हैं, स्ट्रक्चर्ड थॉट, और ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेटेड रिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड थॉट जो हैं वो जबान के बगैर नहीं हो सकती। तो अगर आपकी जबान में वो अल्फाज नहीं हैं जो एक ख़ास कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो अगर तो वो चीज़ आपके सामने है तो हो सकता है आप उसके बारे में कोई चीज़ कोई थॉट जो है वो बना लें। लेकिन अगर वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है और आपके सामने नहीं है और आपने उसको शार्पन करना है और उसको डिस्क्राइब करना है, तो फिर लैंग्वेज और थॉट का क्या रिलेशनशिप है? ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो लोगों ने उठाई हुई है और उसमें दोनों तरफ से लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि थॉट जो है वो प्राइमरी है और लैंग्वेज जो है फिर उसके नतीजे में ही, ना सिर्फ उसके नतीजे में जन्म लेती है बल्कि उसकी सबसर्वियंट है और सिर्फ थॉट को आगे एक्सप्रेस करने का तरीका है, जबकि उसके बिल्कुल दूसरे स्पेक्ट्रम पे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज असल में बुनियादी है और इस तरह की थॉट्स ऑब्जर्व करना, बल्कि कुछ लोग तो बहुत आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि जो लोग जिन लोगों की जबान में कुछ चंद अल्फाज खास कॉन्सेप्ट और खास चीज़ों को डिस्क्राइब करने के बारे में नहीं होते वो उनसे बिल्कुल बेखबर होते हैं और वो उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उन थॉट्स को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उन ख्यालात और उन क्या उस कहते हैं आइडियाज़ को और उन चीज़ों, बल्कि फिजिकल चीज़ों को भी, जैसे कलर है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, यानी फिजिकल रियलिटी में जो चीज़ें उनके सामने उनके बिल्कुल सामने मौजूद हैं उनको भी डिस्क्राइब करने में उनको मसला होता है। बहरहाल ये दोनों स्पेक्ट्रम मौजूद है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली जो रियलिटी है जो असल बात है वो कहीं दरमियान में मौजूद है कि आपके पास अनरिफाइंड या प्राइमरी थॉट्स, या मेरा अपना ये बायस है, जाहिर है ये मेरा अपना कोई जेन्युइन आइडिया नहीं है, ये सारी डिस्कशन जो है पहले से लोग करते आ रहे हैं, मैं जो स्पेक्ट्रम में कहीं दरमियान में लाए करता हूँ, आप कहीं पे भी इसको लाए कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपका अपना डाटा मौजूद है, लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जो भी है
बहरहाल ये बात मौजूद है कि लैंग्वेज जो है वो थॉट को अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करती तो शेप जरूर करती है। और अगर आपकी लैंग्वेज में चंद वाजे और बुनियादी ख्यालात मौजूद ना हो तो आपके लिए उन ख्यालात को मजीद डेवलप करना या समझना अगर नामुमकिन नहीं तो बहरहाल मुश्किल ज़रूर होता है। सो आपने जो भी मैथमेटिक्स जिस तरह से डेवलप किया है वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है नेचर की और जो आपकी जो जिस तरह से आप उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं अपनी जो रिसर्च है या जो अपनी जो आपकी क्या उसे कहते हैं मतलब कि आपके जो बायस बन रहा है रियलिटी के बारे में कि रियलिटी असल में क्या है कैसे है क्यों है क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है भी या नहीं भी वो सब कुछ आपका मैथमेटिक्स जो है वो उसको गाइड कर रहा होता है बहुत बड़ी हद तक गाइड कर रहा होता है। इसकी एक एग्जाम्पल है बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है और वो है क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन में से आती है। मिसाल के तौर पर कई लोग हैं जो पॉजिटिविस्ट हैं। अब मैथमेटिक एक थ्योरी है एक लीनियर ऑपरेटर्स की थ्योरी है जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं उसके चंद एक्जियम्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि नेचर जो है सॉर्ट ऑफ उसको ओबे करती है और हम कहते हैं फिर वहाँ से हम एक जंप लगाते हैं हम कहते हैं कि हाँ देर इज एन अंडरलाइंग रियलिटी दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एक्जियम्स। फाइन इससे कोई मसला नहीं है आप ये जंप लगा सकते हैं लेकिन फिर आगे जाके जब लोगों को ये जो इंतबाक है उसमें मसाइल आने शुरू होते हैं तो कई लोग जो हैं रियलिटी से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी कि मैं ये ज़रूरी नहीं कि ये बात गलत हो सकता है ऐसे ही हो लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक जो चीज़ है जो मैथमेटिक्स है वो किस तरह से आपकी थॉट्स को अफेक्ट कर रहा है ना सिर्फ थॉट्स को बल्कि आपके बिलीफ को टोटल जो आपकी बीइंग है यानी कि आपका नेचर के बारे में जो नज़रिया है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। वो ये कहते हैं कि जी जो चीज़ आप मेजर कर सकते हैं जो चीज़ आप डिटेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ मौजूद है जो चीज़ आप मेजर नहीं करते वो चीज़ मौजूद ही नहीं होती। यानी ये सवाल करना कि क्या पार्टिकल डिटेक्शन से पहले मौजूद है उनके नज़दीक इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है इस बात का कोई मतलब ना हो और यही बात ठीक हो लेकिन ये बात आई कहाँ से है ये बात आई इस वजह से है कि आपने एक एक्जियोमेटिक थ्योरी लिखी आपने मैथमेटिकल एक्जियम्स लिखे आपने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया उस मैथमेटिक्स ने चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू किया और बहुत प्रिसीजन के साथ उसने जो आपके एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी एसेंस को ग्रैब करना शुरू किया और इस बात ने आपको इस बात पे आमादा किया कि आप इस बात पे गौर करने पर मजबूर हो जाएं कि जो रियलिटी इटसेल्फ है वो इन्हीं जो चंद मफरूजे हैं आपके मफरूजे कोई नेगेटिव अंदाज में नहीं कह रहा हूँ जो आपके एक्जियम्स हैं जो आपके पॉस्टुलेट्स हैं उनको ना सिर्फ फॉलो करती है बल्कि उनके मुताबिक है। तो उसके मुताबिक फिर जब आपने रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया यानी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन किया तो उसने आपकी थॉट को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ लोगों की थॉट्स को मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखेर दिया और उनमें से कई लोग हैं जो फिर रियलिटी का इनकार कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में होते और क्वांटम मैकेनिक्स ना होती तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी आप ये कहते कि देर के कोई कोई एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी मौजूद नहीं है यानी कि उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़दीक तो अब ये फिर बायस है मेरे नज़दीक तो अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं और आप नेचर को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो इस बात को हाथ में लिए बगैर कि कोई एक चीज़ मौजूद है जिसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बगैर तो क्वेश्चन आगे चलता ही नहीं है कोई सवाल ही नहीं है कि आप कोई कदम आगे बढ़ा सकें। वहीं से बात शुरू हुई थी और उसी तरफ जाती है बात। लेकिन कई लोग जिनको पॉजिटिविस्ट कहते हैं हो सकता है मैं उनकी पूरी सही तरीके से तर्जुमानी ना कर रहा हूँ लेकिन एक बहरहाल उनके में एक ये बात मौजूद है कि वो ऐसी किसी भी चीज़ की रियलिटी से इनकार कर देते हैं जिसकी जिसको जिसको जो अभी आपने मेजर नहीं की जो आपने मेजर नहीं की वो उससे पहले एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। या तो जैसे कुछ लोग फिर कुछ लोग और होंगे जो कहेंगे कि हाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो आप समझते हैं वो वेव फंक्शंस या ऑपरेटर या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो असल में मौजूद हैं और या इस तरह की बातें। बहरहाल फिलहाल हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। सो ये बात कहना कि मैथमेटिक्स आपकी जो जो सोच है उसको शेप नहीं करता रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कंस्ट्रिक्ट नहीं करता और सिर्फ गाइड करता है और बड़ा अच्छा टूल है और जिस मर्जी डायरेक्शन में आप इसको शार्पन कर लें हो जाता है ये बात एज सच अगर ठीक हो भी तो ऑब्वियसली ट्रू नहीं है ये बात।
और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सो ये लैंग्वेज और थॉट का जो रिलेशनशिप है, इसको मैंने पहले भी कुछ एलेबरेट किया था, गालिबन उन्होंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है इसको, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, अगरचे वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन करना वगैरह पड़ेगा। फिर और बातें हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कोई? हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा कर लें। अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप मजीद किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर एक मैथमेटिक्स का एक और इशू यह है कि आमतौर पर जब हम जो हमने मैथमेटिक्स डिवेलप किया है डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ों को, उसमें वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है, और जब ऑब्जर्वर जो है वो बीच में शामिल हो जाए आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी में बीच में शामिल हो जाए, तो फिर क्या हम ऐसा मैथमेटिक्स डिवेलप कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, या हमें मैथमेटिक्स से किसी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा और उसका नतीजा क्या होगा वगैरह वगैरह। ये फिर एक और बात है जो हम कर सकते हैं, वो है कि गुडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, वो क्या कहता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी के इश्यूज हैं मैथमेटिक्स में, कि जो सारे क्वेश्चंस जिनका हम आंसर कर सकते हैं वो असल में इतने ज़्यादा हैं कि जो क्वेश्चन हम आंसर करते हैं वो उसका सबसेट जो है वो जीरो मेजर का है, यानी अगर आप एक रैंडमली क्वेश्चन एक उठा के देख लें, एक रैंडम क्वेश्चन उठाएं, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप उसका आंसर कर ही नहीं सकते। और दोनों वजह से, एक तो आपका दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, नंबर दो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि जो आप उसको आंसर कर सकें। और फिर मैथमेटिक्स में जो कॉन्ट्राडिक्शन का इशू है, कि किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि मैथमेटिक्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन फ्री है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन, ये सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि इनमें से किसी भी चीज़ पे भी हम बात करना शुरू करेंगे तो वो फिर चलती जाएगी। तो आई एम नॉट श्योर कि लोग जो है वो क्या असल में करना चाह रहे हैं, किस किस्म की बात करना चाह रहे हैं। अली, आपका कोई आइडिया है इस बारे में? जी सर, अजान की वजह से शायद आवाज़ मेरी ठीक ना आ रही हो। नहीं, आ रही है। जी, असल में हमारा जो मकसद था वो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी मुख्तलिफ जहतों को देख लिया है। दो चीज़ें हैं, एक है कि हमारे बाहर एक रियलिटी मौजूद है और आपने बहुत अच्छा इसको डिफेंड किया कि वो रियलिटी की मौजूदगी ही हमें ये मजबूर करती है कि हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई थ्योरी या कोई मैथमेटिकल सेटअप बनाएं। दूसरी तरफ एक रियाजी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई मुजर्रद किस्म का इंसानी तजर्बा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है। फिर हम उस रियाजी का इंतबात करते हैं हकीकत के ऊपर, तो हम कहते हैं कि बहुत सारा रियाजी जो है वो हकीकत के बारे में हमें सही या दुरुस्त काफ़ी हद तक इल्म मुहैया कर रहा है। तो इसमें हम रियाजी की जो तजरीदी हैसियत है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि क्या मैथमेटिक्स जो था वो एब्स्ट्रैक्ट ही था। मसलन हिस्ट्री में हमें बहुत से आइडियाज़ मिल रहे थे, जिस तरह पाइथागोरस का टाइम है या यूक्लिड का टाइम है, तो हमें बहुत सी चीज़ें हमारे माजी से मिली। तो क्या ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे ये प्योर एब्स्ट्रैक्शंस थी, ह्यूमन माइंड की कंस्ट्रक्शंस थी, या इनको रियलिटी से अखज़ किया गया था? तो इसके ऊपर बात करनी। इसमें तो बहुत सी बातें लोगों ने की हुई हैं, ये एक ऐसा इशू है, और इस पे भी एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है लोगों का, कि लोग कहाँ पे लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग मैथमेटिक्स को डिस्कवर्ड समझते हैं और कुछ मैथमेटिक्स को इन्वेंशन समझते हैं। और लेकिन आपने एक बिल्कुल अलग बात की है, मतलब उसी स्पेक्ट्रम में एक बात है, मैंने जो ये अभी कहा है उससे अलग हटके ये बात आपने की है कि मैथमेटिक्स जो है वो तजरीदी एक कोशिश है, यानी एक दिमागी कोशिश है, एक एब्स्ट्रैक्ट कोशिश है, और उसको सो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब। मिसाल के तौर पर, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आप इसको तजरीदी क्यों कह रहे हैं, एज अपोज टू वॉट। मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट रियलिटी मौजूद है, ये कंप्यूटर मौजूद है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ, और ये चाय है मैं पी रहा हूँ, और जो बाहर अगर मैं निकलूँ, घर से बाहर निकलूँ तो मेरे घर के राइट हैंड साइड पे पहाड़ियाँ हैं, बहुत मजबूत, बाहर जलजला आता है तब भी नहीं हिलती वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया एक बड़ा कॉन्क्रीट चीज़, और मैथमेटिक्स जो है वो एक तजरीदी बात है,
एक दिमागी बात है और एक फिलोसॉफिकल चीज है। इन दोनों चीजों में जो आपने मेरे नजदीक जो आपने डिस्टिंक्शन किया वो बिल्कुल बेमानी है, इसमें इसका अपना कोई मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पर जो मेरा दिमाग है वो, मिसाल के तौर पर आपने वो मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, आपको कैसे पता है कि मैं एक मैट्रिक्स में मौजूद नहीं हूँ? ये मेज जो है ये मेरे दिमाग का अपना कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, या जो रियलिटी है, जो मैं जिस चीज को रियलिटी समझ रहा हूँ वो एक एब्स्ट्रैक्शन है या नहीं है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते कि जिस चीज को आप कॉन्क्रीट कह रहे हैं वो कॉन्क्रीट किस तरह से। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक बड़ा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए पीछे जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी क्या होती है? जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो कहाँ से आया है और वो क्यों आया है? आपने आप एक 1.5 मीटर के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हम सब 1.5 मीटर के ऑब्जेक्ट हैं, एक चंद हजार किलोमीटर की जमीन पे रहते हैं। अगर हम क्वांटम साइज ऑब्जेक्ट्स होते तो क्या हमारे पास वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट होना था? क्या हम जिस चीज को समझ कह रहे हैं कि इसको हम बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, क्या वाकई हम उसको समझते हैं? समझने का मतलब क्या होता है? वॉन नॉयमन ने कहा था, यू नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट हैपन टू सॉर्ट ऑफ गेट यूज टू इट। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी, आप बचपन में बड़े हुए, गाड़ी आ रही है, आपने सड़क क्रॉस करनी है, आपके दिमाग ने तरीका सीख लिया कि अगर गाड़ी इस स्पीड से आ रही है तो मैंने आगे जाना है या नहीं जाना, और ये मैं आराम से सड़क क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं क्रॉस कर सकता। अगर मुझे किसी ने पत्थर मारा है तो वो पत्थर जिस स्पीड से आ रहा है क्या हम उसको कैच कर सकते हैं, नहीं कर सकता हूँ कि नहीं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉल की स्पीड का क्या मतलब है? स्पिनर का क्या मतलब है? फास्ट बॉलर का क्या मतलब है? राइट? सो ये आपकी अपनी एक कंस्ट्रक्शन है दिमाग की, जिसको आपने ज्यादा रियल बना लिया है बाकी चीजों से। हालांकि अगर आप क्वांटम लेवल का कोई ऑब्जेक्ट होते तो दिस वुड हैव मेंट नथिंग टू यू, दिस वुड ऑल बी नॉट अ रियलिटी। सो बेसिकली यू जस्ट हैव स्पेंट सो मच टाइम विद थिंकिंग अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग अमंग देम कि अब आप कहते हैं कि ये चीज़ें तो मेरे लिए कॉन्क्रीट हो गई हैं, वो चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट हैं। अगर इसी तरह से आपने करना है तो फिर आप इस तरह से कर लें कि आप 10 साल, 20 साल, 25 साल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, उसके साथ टाइम गुजारें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, पेपर पब्लिश करें, इवेंचुअली यू विल से हाँ जी अब ये मेरे लिए कॉन्क्रीट हो गया, अब ये बात जो है मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई है, अब मैंने इंट्यूशन डेवलप कर ली है। अब मुझे आप कहें कि जी ये 100 ग्राम का बॉल है, स्पीड से फेंका है, तो अगर मुझे लग गया तो मुझे चोट लगेगी कि नहीं लगी, मुझे पैड पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, टेप बॉल है तो पैड नहीं पहनने चाहिए, हार्ड बॉल है तो पैड पहनने चाहिए। आपने इतना टाइम गुजारा है उस चीज़ों के साथ कि अब आपके लिए वो एक सेकेंड नेचर हो गई। आप यही टाइम मैथमेटिक्स के साथ गुजार लें, वो आपके लिए सेकेंड नेचर हो जाएगा। सो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि मैथमेटिक्स कोई तजरीदी चीज़ है और सिर्फ आइडियाज़ में है, ये बात एक बिल्कुल अजीब बात है। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि एक रियलिटी मौजूद है, चाहे वो कितनी एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, और ये बात भी समझनी चाहिए कि हम कभी भी ये हाथ खड़ा हुआ है अली रजा साहब का, क्या ये कोई क्वेश्चन बात करना चाहते हैं, कोई रिमार्क करना चाहते हैं बीच में? जी अली, आप पूछें। सर आप बात मुकम्मल कर ले, मेरा क्वेश्चन किसी और के जीनो पैराडॉक्सिस के रिलेटेड होगा। अच्छा चलें, मैं क्या कह रहा था, सॉरी मैं भूल गया हूँ। सर आप एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि अगर रियलिटी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट ही हाँ, हो तो। तो हाँ हमें ये बात भी करनी चाहिए किसी वक्त कि रियलिटी जो है वो जरूरी नहीं है कि हम उसमें बिलीव तो करते हैं। अब देखें कि वर्ड बिलीव है एंड यू हैव अ फेथ दैट देयर इज अ रियलिटी, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू विल नेवर, जितना मर्जी आप आगे चले जाएं आप रियलिटी को टच नहीं कर सकते। आप कभी भी नहीं कह सकते कि अब हमने रियलिटी पा ली है। मिसाल के तौर पर ये काम पहले लोग कर चुके हुए हैं। अब मैं फिर कहीं टेंजेंट पे निकलने लगा हूँ तो आप जरा देख लें कि कहाँ से मैं टेंजेंट पे निकल रहा हूँ, फिर वापस यहीं पे मुझे ले आइएगा। तो बात हो रही है कि रियलिटी को अगर हम समझ भी लें कि एक रियलिटी मौजूद है और तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही है, उसकी वजह यह है कि आप कभी भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर लॉर्ड केल्विन साहब ने एक बार फरमाया था किसी स्टूडेंट को कि सारे प्रॉब्लम हमने मैथ में जो फिजिक्स में सॉल्व कर लिए हैं, अब हमें पता लग गया है कि असल में रियलिटी क्या है, हमें उसकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ये सब कुछ हमें पता लग गया है,
जितनी इंटरेक्शन है हमने सब फाइंड आउट कर ली है। एक दो प्रॉब्लम रह गए हैं, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और जिस दिन हमने ये सॉल्व कर लिया देन देर विल बी नथिंग एल्स टू सॉल्व, यू शुडंट कम इन टू फिजिक्स एंड गो डू समथिंग एल्स। सो देर आर ऑलरेडी एनफ माइंड इन फिजिक्स विच आर गोइंग टू डिसाइड वट रियलिटी इज इन अ मैटर ऑफ लाइक वट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, ऑफकोर्स ही वॉज रॉन्ग, वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अगर आज आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लें तो आपको कैसे पता है कि आप कल या 1,000 साल बाद या 10,000 साल बाद या 1,00,000 साल बाद कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे जो कि कंप्लीटली चेंज कर देगा रियलिटी को। यानी कि कितने आपके पास थे, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, उसके सर के ऊपर बैठ के आपने क्लासिकल मैकेनिक्स को बिल्कुल गलत कर दिया। आपने कहा जितनी फिजिक्स आपने की थी बुनियादी तौर पर गलत है, वो एक अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर ठीक हो सकती है वरना वो ठीक हो ही नहीं सकती। सो बात हो रही थी रियलिटी की। सो रियलिटी ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट है, वो जो भी चीज है वो किस तरह से डिस्क्राइब हो सकती है, क्या एक से ज्यादा तरीकों से डिस्क्राइब हो सकती है, क्या उसके लेयर्स हैं और वो लेयर्स मुसलसल चलती जाती हैं, क्या कोई एक फाइनल चीज है, अगर हम उस तक पहुंच सकते हैं, हो सकता है हमें ना पता लगे कि हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल मतलब कि इस तरफ आपको इशारा करती हैं कि जरूरी नहीं कि रियलिटी उस तरह से हो जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि वो होगी, वो भी कॉन्क्रीट चीज़ है, और मैथमेटिक्स जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। दोनों इक्वली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, इक्वली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लेकिन ये बात ट्रू है कि अभी तक हमने जिस तरह से रियलिटी को डिस्क्राइब किया है उसमें जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर ये बन रही है कि सर्टन टाइप्स और या सर्टन स्ट्रक्चर्स इन मैथमेटिक्स आर वेरी रेलेवेंट इन डिस्क्राइबिंग रियलिटी। ठीक है, तो उस तरह से इसलिए हम कहते हैं कि एंड देन ऑफ कोर्स देन देयर आर सर्टन स्ट्रक्चर इन मैथमेटिक्स व्हिच व्हेन वी ट्राई टू इंप्लीमेंट टेल अस दैट दे आर नॉट गुड एट डिस्क्राइबिंग रियलिटी। ठीक है, सो आप कहते हैं कि जी ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से आइडिया पैदा होता है कि वो कोई बड़ा सबसेट है और उसका एक छोटा सबसेट है जो रियलिटी को डिस्क्राइब करेगा। और देखें यहाँ पर एक और आपने मैथमेटिक्स ने काम किया है, उसने आपको इस बात पर माइल कर दिया है कि आप इस बात को मान जाएं कि मैथमेटिक्स से बाहर डिस्क्रिप्शन नहीं है रियलिटी की। ये वही लैंग्वेज और थॉट वाली बात है। फिर मैं एक टेंजेंट पर जा रहा हूँ कि आपने जब बातें की, आपने जब लोगों से डिस्कशन की, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस बात ने हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लैंग्वेज से बाहर थॉट नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ लोग इस बात को मानते हैं ना, कई लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल, जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि लैंग्वेज के बगैर थॉट हो ही नहीं सकती, यानी कि कोई कोई मतलब ही नहीं है थॉट का लैंग्वेज के बगैर। तो आपको मैथमेटिक्स ने, अगर जो आपने इस बात में बहुत भी गौर नहीं किया होगा, मैंने भी बहुत नहीं गौर किया, लेकिन लेकिन इस बात ने मजबूर कर दिया मैथमेटिक्स ने आपको कि वो आपको इस ये सोचने पे कम से कम मजबूर करे कि अगर कोई हमने करेक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दरियाफ्त ना किया तो हम रियलिटी को डिस्क्राइब या समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो बहरहाल बात ये हो रही थी। इसी से मैं अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये हमने, जैसा कि आपने कहा कि रियलिटी हो या मैथ हो, उसको आप कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में तकसीम ना करें, क्योंकि वो दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट, या दोनों ही कंक्रीट, व्हाटएवर यू कॉल इट। मसलन जिस तरह हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि ये प्योर सब्जेक्टिव है या प्योर ऑब्जेक्टिव है, सो इट्स अ काइंड ऑफ सिंथेसिस आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के लेट्स कॉल दिस एब्स्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ डू वी क्रिएट न्यू मैथमेटिक्स, हाउ डू वी क्रिएट न्यू एब्स्ट्रैक्शंस और न्यू कंक्रीटनेस इन रियलिटी। नहीं, वो तो ये तो वैसे अली भी कुछ शायद कहना चाहते थे। अली, आप यहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछ लें उनसे। आई डोंट नो, सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। वो अली रजा भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो मेरे ख्याल एक डिफरेंट उनका क्वेश्चन है, जीनो पैराडॉक्सिस के हवाले से, वो मेरे ख्याल उसको लेटर। तो मैथमेटिक्स तो हम मुसलसल डेवलप कर रहे हैं ना, क्योंकि आम लोग सर उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या जादूगरी है कि लोग बैठते हैं और नया मैथ निकल आता है, जैसे न्यूटन ने कैलकुलस बना ली थी। हाँ, ये एक बहुत, ये फिर बहुत डीप क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स जो है, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्रिएट कैसे होता है या डिस्कवर या जो भी इन्वेंट कर रहे हैं, न्यू मैथमेटिक्स होता कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कैलकुलस मौजूद थी तो अब हम नया अलजेब्रा उससे डेवलप करते हैं, मसलन हम यूक्लिडियन से नॉन यूक्लिडियन की तरफ चले जाते हैं, तो हाउ डू वी
create these new ideas, new mathematics, not the first mathematics. अच्छा, ये जो question है ना, ये बहुत 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 बड़ा question है. इसमें thought की अपनी nature आ जाती है, इसमें creativity की अपनी nature आ जाती है, इसमें जो abstract abstract ideas को grasp करने की जो human mind में जो ability है वो उसकी डिस्कशन आ जाती है, न्यूरोसाइंस की डिस्कशन आ जाती है. लेकिन इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है. अब ये सारी डिस्कशन तो जाहिर है हम नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन करना कि जी ये इस तरह से क्यों होता है और उसको ऐसे बहुत लूज एंडेड छोड़ देना, दैट विल नॉट गेट अस एनीवेयर. सो लेट मी डायरेक्ट योर क्वेश्चन टू ए सर्टन इन ए सर्टन डायरेक्शन. और वो ये है कि आप मैथमेटिक्स को खुद यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करने के लिए. दिस इज वॉट गुडेल डिड, राइट? तो गुडेल की जो 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 बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही सॉर्ट ऑफ टॉक्ड अबाउट मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स, राइट? ही यूज्ड मैथमेटिकल आइडियाज एंड लॉजिक टू डिस्कस व्हाट मैथमेटिक्स इज, ठीक है? और उसमें फिर एक आगे एक और कंप्यूटेबिलिटी का और कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ जाता है. तो वो इशू ये है कि मिसाल के तौर पर जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एल्यूड किया था कि अगर आप एक रैंडम क्वेश्चन उठा लें. अब देखें, जो हम क्वेश्चन आमतौर पर नेचर के बारे में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आप उनको यूँ समझ सकते हैं कि वो एक रैंडम क्वेश्चन है जो हमने उठा लिया. मिसाल के तौर पर मैं एक रैंडम क्वेश्चन, इतना रैंडम नहीं है जाहिर है, उसने ये फिर वही थॉट और लैंग्वेज का रिलेशनशिप है, लेकिन जो मैंने सीखा है जाहिर है क्वेश्चन वहीं से आएगा. लेकिन ये एक रैंडम क्वेश्चन, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता था, उनमें से रैंडमली ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज स्पेस टाइम फोर डायमेंशनल, राइट? व्हाई इज स्पेस टाइम फोर डायमेंशनल. इन अदर वर्ड्स विद द सेम, इसको मैं ज्यादा जो है रिफाइन कर सकता हूँ कि विद द सेम इनिशियल कंडीशंस. अब इनिशियल कंडीशंस जो है वो फिर एक और लंबी डिस्कशन है, लेकिन लेट्स से विद द, कोई एक जगह से शुरू कर लें. Let's say with the same initial conditions, if I change some of the physical laws, yeah, with the same physical laws, if I change some of the initial conditions, yeah, if I change some of the physical laws and some of the initial conditions, जो भी है, क्या universe four dimensional ही रहेगी? क्या universe की dimension change हो जाएगी? क्या topology change आएगा? क्या क्या आपके पास metric जो है वो हर जगह वेल डिफाइंड रहेगा या नहीं रहेगा? ये यस नो क्वेश्चंस है. मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ये यस नो क्वेश्चंस है. ये एक रैंडम क्वेश्चन है. आप रैंडमली कोई चीज उठा लें कि जी इलेक्ट्रॉन का मैस अगर इतना हो तो फिर क्या हम यूनिवर्स जो है इस साइज तक पहुंचेगी? आप रैंडम कोई क्वेश्चन उठा लें. अब ये देखें ना, मैं रैंडम क्वेश्चन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन वो क्वेश्चन इतने रैंडम नहीं है. लेकिन बहरहाल, अगर आप रैंडमली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में से हो, लोगों ने शो किया है कि अगर उनमें से आप कोई रैंडम क्वेश्चन उठा लें तो वो रियल लाइन में लाई करता है. वो उनका जो उनकी जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूम है, जबकि जो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस वी कैन एवर आंसर दे लाई इन एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स की जो इंफिनिटी है, उसकी जो क्वांटिटी. सो अगर जो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं, जितना पॉसिबल, इसको अगर हम इस बात में कन्वर्ट कर दें कि लेट्स से हमने मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज करके नया मैथमेटिक्स डेवलप करके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो जितना मैथमेटिक्स डेवलप हो सकता है उसके मुकाबले में जितना मैथमेटिक्स हम डेवलप कर सकते हैं वो ए सेट ऑफ मेजर जीरो है. समझ आ रही है आपको बात की? तो फिर जो क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं उनको जब हम पकड़ते हैं तो हमें कैसे पता होता है कि वो आंसरेबल हैं भी या नहीं है, ठीक है? तो जिन क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं प्लस जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में फाइनाइट टाइम में ढूंढा जा सकता है, जितना भी फाइनाइट टाइम हो, टाइम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना भी टाइम में ढूंढा जा सकता है, दे फॉर्म ए सेट ऑफ मेजर जीरो इन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट हैव an answer of yes and no, ठीक है? So ये सारे relevant बातें हैं यहाँ पर कि mathematics, फिर वो जो mathematics develop होता है वो कैसे होता है? अब यहाँ पर तीसरी जो discussion है, I'm not sure कि कितने लोगों को ये पता है कि लेकिन एक बहुत बड़ा question है mathematics के अंदर. ये गुडेल से बात शुरू हुई थी कि mathematics को use करना है mathematics के बारे में discussion के लिए, तो एक question है n versus np का mathematics में.
वो सारे प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में वर्सेस वो सारे प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशंस अगर हमें पता लग जाए तो हम चेक कर सकते हैं इन पॉलिनोमियल टाइम में, लेकिन उनका सॉल्यूशन खुद जो है मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपोनेंशियल टाइम में मिलेगा। ठीक है, सो इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? आइडिया ये है कि क्या पी और एन पी, यहाँ पर ये लोगों को कुछ समझ आ रही मेरी बात की? या जी सर, मेरा ख्याल इसको थोड़ा आसान कर दें एन और एन पी के हवाले से। एन जो है ना, एन एन एस सेट ऑफ ऑल क्वेश्चंस है, सॉरी पी जो है सेट, मैंने एन कहा है, सॉरी पी, पी वर्सेस एन पी, पी पॉलिनोमियल से पी आता है। पी यानी कि जैसे आपने सॉल्व करना है, आपने इन्वर्ट करना है एक मैट्रिक्स को, ठीक है, या आपने एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो भी वही चीज़ है, या आपने बेस्ट मूव फाइंड करनी है चेस में, या आपने जो है वो एक बूलियन एल्जेब्रा सॉल्व करना है कि अगर एक्स और वाई एंड वाई ये ट्रू हो तो इसके लिए एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर येस और नो में हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर इन पॉलिनोमियल टाइम तो दे फॉर्म इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कॉल पी। एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको जिसको हम एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकिन उन क्वेश्चंस का अगर हमें आंसर मिल जाए तो उसको हम चेक पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जी या आपको बता दूं कि एक्स और वाई एंड वाई जो है ये इसका ये आंसर है, तो आप वो आंसर डालेंगे, चेक कर लेंगे कि ये बात ठीक है कि नहीं ठीक। लेकिन अगर आपको आंसर निकालना पड़े आपको उसका, तो फिर वहाँ पर आप फंस जाएंगे, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर की है, आप कहेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो कि मैं मैथमेटिक्स को यूज़ करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स को डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर पी और एन पी बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है क्रिएटिविटी कोई चीज़ नहीं है। तो एन पी वाले एन पी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं, पी में वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए ट्रिवियल होते हैं। आपने खाना खाया? जी हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में हो सकता है। ठीक है, आप सुन सकते हैं? जी हाँ, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन कि यहाँ पर चेस में ये पोजीशन है और मैं आपको कहूँ कि ये बेस्ट मूव है, या ये मैं कहूँ कि सॉरी बेस्ट मूव तो नहीं, येस और नो का क्वेश्चन करना है, क्या इस पोजीशन से आपके पास सारी मूव्स पॉसिबल हैं, यानी आप जो भी चाहें जितना मर्जी टाइम स्पेंड करें, क्या आप बता सकते हैं कि वाई जीतेगा वाइट जीतेगा या नहीं, ये येस और नो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप मुझे बता दें कि क्या मूव है जिसमें जो मूव्स हैं जिसमें जीतेगा, तो मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, सॉरी ये वाला ये चेक करना भी मुश्किल है, लेकिन वो एक्स और वाई वाला जो क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा वाला, वो अगर आप मुझे सोल्यूशन बता देंगे तो मैं चेक कर लूँगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे सोल्यूशन बताएं, तो तब आपको सोचना पड़ेगा। सो ये जो सोचना है ये मैथमेटिक्स क्रिएट करना है। यहाँ पर एक और एन पी का जो एक और तरीका है जिससे अब पता नहीं, मैं क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो एक साथ कर गया हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना मैसेज कन्वे हो रहा है और कितना मैं लूसिड हूँ इस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता मेरी लूसिडिटी जो है वो कम होती जाएगी। जी सर, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आपने आखिरी बात की है कि ये जो सोचने का अमल हम करते हैं, एक सेकंड, तो क्रिएटिविटी, तो अगर तो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एनपी में जो हैं वो सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से एनपी में हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई तरीका मौजूद है कि वो असल में पी में हो, तो फिर क्रिएटिविटी में कोई खास बात नहीं रह जाती। ठीक है, सो क्रिएटिविटी लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि इस एन पी से आगे एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है जिसको आर कहते हैं। ये वो सारे प्रॉब्लम हैं जिनका सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम में, और फिर उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जिनका सोल्यूशन फाइंड ही नहीं किया जा सकता। तो सो ये सारी है तो रियलिटी, यानी कि रियलिटी के बारे में आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका जवाब आप दे ही नहीं सकते। ये फिर आगे आपको बताता है कि फिर रियलिटी के बारे में सोचना और कहना कि हाँ हम रियलिटी तक पहुंच गए, अगेन मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ, तो वो कोई उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये सारी बातें जो है फिर ये इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पर
अब बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये खत्म कर देना चाहिए। बहरहाल एनपी में और पी में जो फर्क है वो क्रिएटिविटी का फर्क है। एनपी एनपी की एक और डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई लकी एल्गोरिदम हो तो आप उस प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई ऐसी मशीन हो जो गैसेस करती हो, जैसे चेस में आप जा रहे हैं आप गैसेस करते जाएं, या अगर आपने चेकर्स खेल रहे हैं तो आप गैस करते जाएं कि ये चाल चलनी है, ये चाल चलनी है, ये चाल चलनी है, तो जो आप गैस करें वो हमेशा ठीक हो। तो वो गैस करने वाली चीज क्या है? वो इंसानी ब्रेन है। वो ये जो क्रिएटिविटी की लीप्स हैं इनकी नेचर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो क्रिएटिविटी की लीप्स हैं वो आती कहाँ से है? वो इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, जिसकी सीट ह्यूमन ब्रेन है, वहां से आते हैं। अब ये जाहिर है फिलोसफी में डिस्कशन घुस गई है इसमें, अब मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मजीद आगे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को पी वर्सेज एनपी का बहुत कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन बहरहाल आप इसको जो है वो पढ़ के देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि मैथमेटिक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए। जी अली, ये नकीब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने, पूछ लें। नकीब, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा सवाल ये था कि आपने गर्डल्स की बातें की और अभी पी और एनपी की बातें भी हमने सुन ली, तो फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ लोग इसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर हैं आई थिंक एम्पीरियल कॉलेज लंदन में, वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से ना मैथमेटिक्स को डिजिटाइज कर लें किसी तरीके से, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मे बी एडवांस प्रोग्रामिंग के जरिए। सो आपका क्या ख्याल है, क्या ये पॉसिबल होगा और क्या इससे हमारे कुछ फ्यूचर, मैथमेटिक्स का फ्यूचर कुछ बेहतर हो सकेगा? ये प्रॉब्लम बेसिकली इस वजह से है कि आजकल मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हो रही है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स तो इवन पाकिस्तान में पब्लिश हो रहे हैं मैथमेटिक्स में और अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कौन इन इतने ज्यादा पेपर्स को चेक कर रहा है और कौन इतने ज्यादा प्रूफ्स को चेक कर रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली ह्यूमनली। और बहुत ये डिस्कशन कहीं और निकल जाएगी तो इसका छोटा सा, मेरा नहीं ख्याल कि आप, मुझे नहीं समझ ज्यादा आई कि आप असल में क्या पूछना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स को डिजिटाइज करने का क्या मतलब है। अगर आप आम मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ चीज़ों को छोड़ के अक्सर चीज़ों को हम कंप्यूटर पे रख सकते हैं, ये बड़ी ये आम सी नॉन सी बात है, और स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स कई चीज़ों के लिखे जा सकते हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पेपर्स को कोई डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है कि उनको चेक किया जा सके, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वो डिस्कशन है दैट वी वॉन्ट टू हैव हियर। वी आर हैविंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन है, सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन। हाँ जी अली शहबाज साहब। जी अली रजा, जी अली, अली रजा आप करें बात। अस्सलाम वालेकुम सर। हाय साहब। सर मेरा क्वेश्चन ज़ीनोस पैराडॉक्स जो उसके मोशन के बारे में है कि एक इंसान को जब चलना है या किसी चीज़ को चलना है तो उसे सबसे पहले उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसके किसी दरमियानी पॉइंट से गुजरना है, फिर उसके किसी दरमियानी पॉइंट से गुजरना है, फिर उसके किसी दरमियानी पॉइंट से गुजरना है, तो इसका मतलब मोशन पॉसिबल नहीं है, बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। और इसी तरह सर मेरी अपनी एक सोच है कि अगर हमने ये प्लेन बनाई है रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है वो वन पॉइंट से उठी है और फोर पे या फाइव पे चली गई है, मतलब उसने चार या पांच मीटर या किलोमीटर जो हमने स्केल वहां पे बनाया है इतना फासला कवर किया है, तो अगर हम उस प्लेन को एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को फैला दें और एक और पांच की बजाय वो सारे के सारी जो जगह है वो एक और दो के दरमियान में ही ले आए और फिर हम चेक करें कि वो इतना चल के क्या उसने उतना ही फासला तय किया है, मतलब इसी तरह अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब फिर भी यही है कि मोशन पॉसिबल नहीं है, या कोई ऑब्जर्वर है जो बहुत दूर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जब एक जगह से हम बहुत दूर जाना शुरू कर दें तो वो जो दो पॉइंट वहां पे बैठ के हमें लग रहा था कि बहुत दूर है तो उतनी दूर से इतना ज्यादा करीब लग रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वो दूर है कि नहीं। ये जो आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये इनका कंटिन्यूम से ताल्लुक है,
ये अगेन ये वो डिस्कशन नहीं है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। कंटिन्यूम जो है उसमें क्या मसाइल है, अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी डिस्कशन हम कर सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूम क्या है और किस तरह से वो उसने अगेन ये, बल्कि यहाँ पे हो सकता है कि हम डिस्कशन कर लें क्योंकि कंटिन्यूम भी एक आइडिया है जो इतना प्रेवलेंट हो गया है कि हमें उससे निकलने से मसला होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि कंटिन्यूम माइट नॉट रियली बी दी अंडरलाइंग रियलिटी आफ्टर ऑल। तो ये वही क्वेश्चन है कि जी अगर आप सारी चीज़ों को अगर कंटिन्यूम फॉर्म करती हैं तो सारी चीज़ों को बाय द सेम अमाउंट छोटा कर दें तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ छोटी हुई है, या बड़ा कर दें बाय द सेम अमाउंट तो आपको कैसे पता लगेगा कोई चीज़ बड़ी हुई है या नहीं हुई। तो और फिर ये आइडिया कि जी आप कोई भी जो है वो इंटरवल ले लें और उसको आप पूरी लाइन के ऊपर जो है मैप कर सकते हैं तो आपके पास जितने पॉइंट पूरी लाइन में है उतने ही पॉइंट हर इंटरवल में मौजूद है। और ये इन्फिनिटी में जो मसाइल आते हैं, खैर ये मसला तो हमारे पास काउंटेबल इन्फिनिटी में भी मौजूद है, लेकिन भारत ये वो डिस्कशन नहीं है जो हम कर रहे हैं। लेकिन एक वाक्या मैं आपको बड़ा मजे का सुनाता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उससे बारे में पता लगेगा। मैं स्टूडेंट था और हम लोग एक स्कूल में गए, क्वांटम ग्रेविटी पे स्कूल था, मेरा पहला या दूसरा साल था। एंड आई वॉज लकी इनफ टू गो टू चिले, साउथ अमेरिका भी मैंने देख लिया और उनके कल्चर को मैंने वहाँ देखा हुआ। बहरहाल जब हम वापस आ रहे थे तो एक जो इंस्ट्रक्टर थे ना, मुझे टेड जेकबसन था या कौन था मुझे याद नहीं है, या रॉब मायर थे, बहरहाल उनमें से एक जो था वो वहाँ मेरे पास थी। हमने सेम टैक्सी ली तो हम एयरपोर्ट जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि ये कंटिन्यूम जो है ये सारे मसाइल यहाँ से आ रहे हैं तो आप लोग जो है वो व्हाई डोंट यू डू समथिंग एल्स। तो ही ऑनेस्टली सर, बड़े फ्रेंकली, वी डोंट नो हाउ टू डू एनीथिंग एल्स, हमने सीखा ही यही है। तो ये एक, इसका एक मतलब तो ये हो सकता था कि मतलब कि अब जो लोग नए आ रहे हैं दे हैव टू डू समथिंग न्यू, वी हैव बीन डूइंग दिस एंड हम इसी डायरेक्शन में जाहिर आगे चलते जाएंगे, हमें हमारे लिए नई चीज़ को सीखना मुश्किल है। लेकिन एक बात उसमें ये भी मौजूद है कि ओवरऑल जो कम्युनिटी का जो माइंड सेट है वो मैथमेटिक्स ने इस तरह से सेट कर दिया हुआ है कि उनको कहीं और जाते हुए जो है वो मुश्किल लगती है और मतलब कि एक मतलब एग्जिस्टेंशियल किस्म की मुश्किल लगती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है हमारे हाथ कुछ भी ना लगे और हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐसी खर्च हो जाए, और जो चीज़ हमने डेवलप कर ली, जिस चीज़ को हम जितनी देर उसके साथ हमारा कोई 300 साल का रिश्ता है और उसको हमने इतना अच्छा समझ लिया उसको हम छोड़ दें, तो ये एक और जो है डायरेक्शन है जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी थॉट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी मोटिवेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक और डायरेक्शन में जाने से। तो और हालांकि नज़र आ रहा है कि जो कंटिन्यूम है उसमें इतने मसाइल हैं कि मोस्ट प्रोबेबली that will not be able to, it will not be able to adequately describe reality at the most fundamental level. और string theory में ये बात नज़र आती है कि बजाय इसके कि आप बहुत कोई अच्छी जो है वो अगेन ये मेरा bias है, ज़रूरी नहीं कि लोग इसे जो है वो कन्वर्ट करें, आप अच्छी नहीं, कोई एक बिल्कुल नया और जेन्युइन नया आइडिया लाने के आपने कहा कि नहीं जी हम पार्टिकल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको क्वांटाइज कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें उनका आइडिया यह है कि जो उस वक्त आइडिया था कम से कम वो ये था कि किसी तरीके से हमें एक स्पिन टू पार्टिकल मिल जाए और उसको हम जो है वो ग्रेविटॉन बना लें तो दैट विल समहाउ सॉर्ट ऑफ सेव अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू। तो आई एम नॉट श्योर कि अगेन मैं क्या बात कर रहा था मैं अली आपका जो क्वेश्चन था वो किसी और डायरेक्शन में, हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का रिश्ता जो है वो उसके ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं, और उसमें जो मैंने अभी पिछले एक मिनट में या पांच मिनट में जो बात करने की कोशिश की है वो ये है कि कंटिन्यूम एक एग्जाम्पल है इस बात का कि मैथमेटिक्स किस तरह से आपकी सोच को कंस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। All right, sir. ये एक सर चैट में क्वेश्चन आया था तानिया मुबशर का कि हाउ मैथमेटिक्स बिकम सिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइफ। वो तो एक आम सी बात है,
आई एम नॉट श्योर कि डेली लाइफ का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स है आपकी डेली लाइफ, उसमें मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेडिकल अगर आपने कोई मशीन बनानी है जिसने एक्सरे करना है या कुछ करना है, तो कोर्स अगर आप प्रिसाइज नहीं होंगे तो वो आपको इतनी ज़्यादा रेडिएशन दे देगा कि आप फौत हो जाएंगे, सो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, सो मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, सो अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. सर एक और क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ों पे भी बात करना चाह रहा हूँ, मतलब ऑफ कोर्स नॉट मैथ इटसेल्फ बट रिलेटेड टू मैथ. मिसाल के तौर पे जिस तरह इन्फिनिटीज हम रिमूव करते हैं अपनी इक्वेशंस में से, सिंगुलैरिटीज की बात होती है जनरल रिलेटिविटी में, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नज़र आती हैं कि वाई हम सिंगुलैरिटी कहते किसको हैं, बेसिकली हमें क्यों इन्फिनिटी को अवॉइड करना पड़ता है, या इन्फिनिटी के मुतलक हम क्या बात कर सकते हैं. ये क्वेश्चन को इतना क्लियर नहीं है, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं ये अगेन इन्फिनिटीज़ और सिंगुलैरिटीज़ क्यों आती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली कंटिन्यूम की वजह से. कंटिन्यूम जो है वो जो है उसमें काफ़ी मसाइल हैं, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है थियोरीज की अगरचे वो एक ख़ास लेवल पे बहुत ही आसान है, और उसकी जो ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन उसकी बल्कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो उसको बहुत आसान कर देता है. मिसाल के तौर पर आपको पता है कि एक फ्लूइड जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन एक ख़ास लेवल पे जाके आप फ्लूइड डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से मैच करती हैं वगैरह वगैरह. तो लेकिन फिर यहाँ पर चूँकि आपको क्लियर है इसलिए आप उस इस बात को बुनियाद बनाकर कि क्योंकि आपकी फ्लूइड डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी है, आप इस बात को बुनियाद बनाकर ये जंप नहीं लगाते कि नहीं फ्लूइड है ही कंटिन्यूस, राइट. तो क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जब मैं उसको देखना शुरू करता हूँ, करीब जाता हूँ करीब जाता हूँ करीब जाता हूँ, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपको एटम्स अलग अलग नजर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी कंटिन्यूम डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है. लेकिन चूंकि हम स्पेस और टाइम के साथ ये सब कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक हम उसको इतना करीब से नहीं देख पाए हैं कि हमें पता लगे, तो वो वहाँ पर जो हमारा मैथमेटिक्स इतना अच्छा है क्योंकि हम उसको बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो वो इतना अच्छा है कि हम अगेन वो मैथमेटिक्स जो है लैंग्वेज ऑफ थॉट कि आपको किस तरह से वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कहता है, लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी जो आपकी रियलिटी वो है ही कंटिन्यूम और हमने इससे हटना नहीं है और हमने इसी में डिवेलपमेंट करनी है आगे, और बजाय इसके कि वो कोई नई चीज़ सोचे वो उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और फिर बजाय इसके कि वो जब उनको मुश्किलात सामने नज़र आती हैं, उनको सिंगुलैरिटीज़ नज़र आती हैं जो कि कंटिन्यूम की वजह से हैं, उनको इन्फिनिटीज़ नज़र आती हैं जो कि कंटिन्यूम की वजह से हैं, और उनको पता है कि वो कंटिन्यूम की वजह से हैं, तो वो उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और बजाय इसके कि वो कोई नई चीज़ नई डिस्क्रिप्शन इन्वेंट करने की कोशिश करें. तो ये तो हमें मालूम है कि सिंगुलैरिटीज़ और जो इन्फिनिटीज़ हैं वो कहाँ से आती हैं, वो कंटिन्यूम से आती हैं, और उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी डिस्क्रिप्शन है रियलिटी की जो आपने बनाई हुई थी इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूम, इट हैज़ ब्रोकन डाउन, इट नो लॉन्गर अप्लाइज, इट नो लॉन्गर डिस्क्राइब्स द रियलिटी द अंडरलाइंग रियलिटी वट एवर इट इज़ एडिक्वेटली, लेकिन उसको बजाय लेकिन उस, अब पता नहीं मैं क्या कह रहा था, लेकिन बहरहाल वो उसको बजाय उसको नई चीज सोचने के वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो और कई जगहों पर चूंकि ये काम चल भी गया है, जैसे मिसाल के तौर पर रिनॉर्मलाइजेशन में लोगों ने रिनॉर्मलाइजेबल थ्योरीज बना के तो उस काम को थोड़ा सा चला भी लिया है, लेकिन दैट टू एनी बॉडी हु हैज आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ जेन्युइन आइडियाज अबाउट फिजिक्स, दे नो दैट ऑल ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इज एट बेस्ट इफेक्टिव. तो इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन है कोई वो चीज़ जिस तरह से जो हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं वो रियलिटी को फंडामेंटल लेवल पे डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती. तो मेरा जो बायस इस सिलसिले में है, और जाहिर है वो मेरी रिसर्च से भी आता है, और जाहिर है जो जिन लोगों से साथ मैंने बातें करता रहा हूँ और जिन लोगों ने मेरी फिजिक्स की परवरिश की है उन लोगों से भी वो बायस आया है, लेकिन वो बायस यही है कि वी हैव टू सम हाउ गिव अप ऑन कंटिन्यूम टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. आपकी आवाज नहीं आ रही अली, आपने बंद किया हुआ माइक. जी मैंने कहा ये हिबतुल शफी बात करना चाहते हैं थोड़ी.
मेरा एक क्वेश्चन था जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन आपकी हो रही थी, बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है और आपके मेन टॉपिक से मेरे ख्याल में काफी रिलेटेड है कि आपको क्या लगता है कि फिजिक्स में कोई बहुत बड़ी लीप अभी आ सकती है जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स प्योर फिजिक्स, क्या कहना चाहिए, फिजिक्स का आइडिया हो जिसका ऑलरेडी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप ना हो गया हुआ हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? इस क्वेश्चन के आंसर करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं चाय की एक चुस्की लूं और एक ठंडी आ भरूं और बहुत डीप वॉइस में बताऊं कि मैं क्या समझता हूं, उसके बजाय इस बात को लोगों ने, लेकिन जाहिर है ये बात जचती नहीं है, मैं किसी भी काबिल नहीं हूं कि मैं ऐसी बातों पे कमेंट कर सकूं। अभी तक जिनने मैंने जितनी भी बातें की हैं, जो भी बातें कह रहा हूं, उसमें कोई मेरी ओरिजिनल बात कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर भी न्यूटन वाली बात जो है ना, वो बड़ी सीधी और बड़ी सच्ची लगती है कि वी आर लाइक अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन अ सी शोर विद पेबल्स while the whole ocean of quote unquote physics lays in front of us. ये बात कहना कि क्या कोई बड़ी चेंज आएगी, अभी तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो आनी है, और जो भी नया आइडिया आएगा जो इन क्वेश्चंस को जो अभी हमने बनाए हुए हैं उनको सॉल्व करेगा, इट विल बी समथिंग सो रेडिकली, I shouldn't say this, but I'm completely 100% or let's say 99.9% sure that it is going to be so radically different, so radically original that aapki jitni jo physics hai wo jis tarah se quantum mechanics ne classical mechanics ko utha ke side pe rakh diya tha usse zyada ek bada jo revolution hoga and it will be aur logon ne is bare mein baat bhi ki hui hai, misal ke taur pe kisi ka bada acha ये कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वो सिंपल भी होगा, तो किसी ने कहा हुआ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेंज द यूनिवर्स इज बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सिंपल इट इज। सो ये यहाँ पर मैथमेटिक्स में बाय द वे बात आती है कि आप वो मैथमेटिक्स इतना स्ट्रेंज होता है उसका कि आप अगर पहले उसके साथ टाइम गुजारें और कुछ देर बाद उसको समझें तो आखिर में जो बात निकलती है जब वो आपके दिल में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो आप कहते हैं देखो कितनी सिंपल है ये, कितनी सिंपल बात है। लेकिन जो भी चीज़ होगी इट विल बी कम्प्लीटली एंड अमेजिंगली न्यू। और ये जो बातें लोग आमतौर पे कर रहे हैं आजकल, अगर उनमें से कोई बात ठीक हो भी तो वो ऐसे ही सतही तौर पर ठीक होगी, यानी कि वो एक और इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन होगी। अगर आपको फंडामेंटली कोई करेक्ट डिस्क्रिप्शन रियलिटी की चाहिए, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए तो मेरे नज़दीक, लेकिन बहरहाल बहुत से अच्छे लोगों के नज़दीक या बहुत से काबिल लोगों के नज़दीक इट विल हैव टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो बातें हम फिलहाल कर रहे हैं इट विल बी नन ऑफ दीज, इट विल बी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू विल हैव टू, अगर आपने उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है देन विल हैव टू डिवेलप new mathematics as well, maybe the mathematics is already there, you just have to realize that you have to use that mathematics, right sir? Shayad hum novena tak kabhi na pahunch paye to iske alawa sir ek discussion aam taur pe sunne mein aati hai aur ye sawal bhi aksar zehno mein aata hai ke physics aur math ke hawale se ki kya aisi physics ho sakti hai jo math ke bagair chal sake ya math lazmi hai to do physics? वाटर डाउन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये तो ऐसे ही है कि जी क्या आपने अगर साइंस डिस्क्राइब करनी है तो क्या वो सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है या आप उर्दू में भी कर सकते हैं या आप कहें, असल में बात ये देखने वाली है कि ये आया कहाँ से, मैथमेटिक्स आया क्यों है, फिजिक्स में आया क्यों है। तो इसकी मैंने डिस्कशन थोड़ी सी मैंने की थी जब मैं वो नस्ट वाली डिस्कशन सेशन में था, और वो ये थी कि मॉडर्न फिजिक्स ने हमें पूरी तरीके से इस डब्बे में बंद कर दिया है। जब हम कहते हैं कि हमें कॉमन सेंस जो है अब वो हमारे किसी काम नहीं आएगी और हमने एक सेट ऑफ एग्जाम्स लेना है और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है और उसके जो भी लॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, उनको हमने लैब में टेस्ट करना है
और अगर वो टेस्ट हो जाती हैं तो जो भी हमने थ्योरी बना ली है, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं वो ठीक है। तो जब आप ये कह देते हैं तो फिर देन एवरीथिंग इज मैथमेटिकल। आपने दो, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर आपने अज्यूम की हैं, अगेन ये अब डिस्कशन आती है जो हम कर रहे हैं, वो ये है कि आपने अज्यूम किया है नंबर एक, देर आर नो कॉन्ट्राडिक्शन इन रियालिटी। नंबर दो आपने अज्यूम किया है देर आर नो कॉन्ट्राडिक्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्वेश्चन क्या था और मैं किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको फंडामेंटली, आप इस बात को आंसर कर ही नहीं सकते कि आर देर, एक क्वेश्चन तो मैंने अभी जो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन उठा लिया है तो दो बातें हैं, एक ये कि वो पी वर्सेस एनपी में कहाँ पे लाई करता है या उससे भी आगे लाई करता है, और नंबर दो क्या वो ऐसा क्वेश्चन है जो गडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की गडेल्स बास्केट में जाता है, कि जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन डिराइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। हम फेथ रखते हैं, हम इस बात पे को अज्यूम कर लेते हैं, इस बात को बिलीव कर लेते हैं। यहाँ पर ये याद रखें, जो लोग कहते हैं ना कि साइंस में बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है और ये बातें नहीं है और साइंस पता नहीं क्या चीज़ है, साइंस शुरू फेथ से होती है और फेथ पे ख़त्म हो जाती है। दरमियान में हम उसको जो जो, और ऐसी कोई चीज़ जो फेथ से शुरू होती हो और मजीद फेथ के क्वेश्चन जनरेट ना करती हो, वो सीखने या करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो एनपी में नहीं आती, वो पी में होती है। वो ऑब्वियस क्वेश्चंस है कि सूरज निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन वर्थ रिसर्चिंग ऑन। ठीक है, सो एनी हाउ अब पता नहीं मैं क्या कहने लगा था, एनी हाउ सो हमारी जहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है वो ये है कि मैथमेटिक्स किस तरह से हमें हेल्प करता है और किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी सोच को मैथमेटिकल रखते हैं और अपने क्वेश्चंस को मैथमेटिकली पोज करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता, दो क्वेश्चंस हमें नहीं पता होता कि क्या ये गडेल बास्केट में है या नहीं है, नंबर दो क्या मैथमेटिक्स में खुद कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं होती। आज तक दो तीन चार हजार साल हो गए मैथमेटिक्स करते हुए, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आई मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको ये कैसे पता है कि आगे जाके नजर नहीं आएगी, आपको रियलिटी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आई, हत्ता कि ये आपका बिलीफ बन गया है, फेथ बन गई हुई है कि अगर आप कोई काम करें और आप यानी मैथमेटिक्स में कुछ करें और वो कोई और रिजल्ट दे, तो आप ये नहीं कहते कि रियलिटी इज ब्रोकन, आप कहते हैं कि नहीं, दिस मैथमेटिक्स डजंट करेक्टली डिस्क्राइब रियलिटी। यू अज्यूम लेयर्स ऑफ रियलिटी की बात आ जाती है ना, यू अज्यूम स्केल्स ऑफ रियलिटी की जो बात है, और ये आपका फेथ है, किसी ने प्रूव नहीं किया, किसी ने बैठ के ये प्रूव नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा है, आप उसके पास जाते हैं एज अ स्टूडेंट, वो कहता है ये देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, आपने उसे कभी ये नहीं कहा कि आपने ये पहले प्रूव कर लिया है कि ये क्वेश्चन मेक सेंस करता है, आपने ये प्रूव कर लिया ये क्वेश्चन गडेल बास्केट में नहीं है, आपने ये प्रूव कर लिया कि ये उन क्वेश्चन में से नहीं है जो पी वर्सेस एनपी में आते हैं, या ये बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है जो कभी हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं नहीं, यू हैव फेथ, आप अपने दिमाग में फेथ रखते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सोचा है तो हमें इसका आंसर भी सोचने की इस्तेतात होगी। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं जो इसमें आ जाती। सो आपको हो सकता है किसी वक्त क्वेश्चन गालिबन ये था कि क्या हमें मैथमेटिक्स जो है ना वो उसके बगैर हम रियलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं। सो कल क्लास को अगर कॉन्ट्राडिक्शन निकल आती है मैथमेटिक्स में, तो देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपका क्वेश्चन गडेल बास्केट में है तो देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपका जो क्या उसे कहते हैं, बाय द वे एक और बड़ी इससे निचले लेवल की एक और बात है, अब मुझे याद नहीं कि कौन सा फिजिसिस्ट था, बट ही रोट टू बुक्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, I don't know who he was, and he did not use a single equation in those two books. I think 1900 में किसी वक्त लिखी गई थी और किसी वक्त वो electromagnetism पढ़ने का एक बकायदा वो समझी जाती थी, required reading समझी जाती थी physicists के लिए। तो जैसे सर Mach की किताब mechanics भी इसी तरह की किताब है। हाँ, लेकिन वो तो उसके लिए लिखी हुई है ना, लोगों के लिए जो
मैथमेटिकली थोड़े से इलिटरेट है, उसने टेक्निकल किताब लिखी हुई है, टेक्निकल किताब लिखी हुई है, वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट था, उसने टेक्निकल किताब लिखी हुई है फुल ऑफ ऑल टेक्निकलिटीज विदाउट यूजिंग अ सिंगल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर ये याद रखनी चाहिए कि मैथमेटिक्स के अपने मसाइल हैं, रियलिटी के अपने मसाइल हैं, मैथमेटिक्स एज अ टूल यूज होता है रियलिटी के लिए। मेरा ख्याल है मैथमेटिक्स डिस्कवर होता है और उसका डीपर ताल्लुक है मैथमेटिक्स से, रियलिटी से, लेकिन इट इज स्टिल जस्ट अ टूल टू डिस्क्राइब रियलिटी और आप उसके बगैर भी मीनिंगफुल डिस्कशंस कर सकते हैं। और पता नहीं क्या असल सवाल क्या था, मैं किस डायरेक्शन में सर यही था कि फिजिक्स जो है वो बगैर मैथ के हो सकती है, जिस तरह आपने मिसाल दी है इस किताब की। चलिए बारे जी, किसी और का अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करें या चैट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर है होला का, फिजिक्स हैज बिकम क्वाइट एडवांस्ड यूजिंग मैथमेटिक्स, शुड बायोलॉजी एडवांस एज मच यूजिंग मैथमेटिक्स, कैन इट मेक यूज ऑफ मैथमेटिक्स जस्ट लाइक अदर साइंसेस। तो ये मैथमेटिक्स का डिफरेंट साइंसेस में इस्तेमाल, एक ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मेरा एक बायस है यहाँ पर, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चन के अंडर आ जाता है और उसकी डिस्कशन यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हुई है, मतलब कि बाकी दुनिया में फिजिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। मेरी मुराद ये नहीं कि फिजिक्स बायोलॉजी से ज़्यादा, मेरा मतलब है कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग जहीन हैं, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, हमेशा फिजिक्स में आ जाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इस तरफ जाते हैं, ठीक है ना। और आमतौर पर जो लोग बायोलॉजी की तरफ जाते हैं उनका आमतौर पर ये होता है कि जैसे डॉक्टर बनना है और उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि हमने बायोलॉजी में रिसर्च करनी है। हाँ, अगर वो डॉक्टर नहीं बन सकते तो फिर वो बायोलॉजी में रिसर्चर बन जाते हैं या कुछ इस तरह से होता है। कहना मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि फिजिक्स जहाँ पे पहुँच गई हुई है, इट हैज़ बिकम स्पेशली फंडामेंटल फिजिक्स जो है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल फिजिक्स जो है वो जहाँ पहुँच गई है वो इतनी मैच्योर और इतनी मुश्किल और इतनी एडवांस्ड हो चुकी हुई है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मुंह उठा के इस डायरेक्शन में नहीं आ जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ है जो हमने बचपन से सोची हुई थी कि हमने ये करनी है। वो बचपन से आपने इसलिए सोची हुई थी कि पाकिस्तान में जितने भी लोग किसी काम के हमें नज़र आए हैं वो सारे फिजिसिस्ट थे, रियाजुद्दीन परवेज साहब, रियाजुद्दीन साहब, परवेज साहब, सलाम साहब, फिर उसके बाद असगर कादिर भी हैं और लोग हैं, कई और लोग हैं, और आपको इस तरह से जो है ना इस कैलिबर के लोग जो है आपको केमिस्ट्री में शायद आप कुछ मिल जाते हो लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं मिलते थे, बायोलॉजी में नहीं मिलते थे, इकोनॉमिक्स में नहीं मिलते थे। बाय द वे ये काम बंगाल में इकोनॉमिक्स में हुआ है, वो लोग इकोनॉमिक्स में बहुत आगे हैं, उनके गालिबा नोबेल प्राइज भी है कोई इकोनॉमिक्स में या कोई इस तरह से, आई डोंट नो। तो ये तो इस वजह से हम लोग जो है ना फिजिक्स में खामखई बहुत आगे आ रहे हैं जबकि फिजिक्स जो है वो इस वक्त उसमें बहुत कम चांसेस हैं बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करने के लिए, बहुत बड़ा दिमाग और बहुत बड़ी जो है वो कमिटमेंट चाहिए, जबकि बाकी फिजिक्स बाकी साइंसेस जो है ख़ास तौर पर बायोलॉजी इस वक्त कस्प पे बैठी हुई है बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज के, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने फिजिक्स में बेसिक एजुकेशन ले ली है, जिनको मॉडल मेकिंग की आदत है, जिनको एक्सपेरिमेंट्स का पता है, जिनको एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के दरमियान रिलेशनशिप का पता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा देखा हुआ है, फिजिक्स से अच्छी जो डिग्री जो है ना बीएस की वो कोई और कोई अच्छी डिग्री नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन उसके बाद अगर ऐसे लोग बायोलॉजी में चले जाएँ, बायोफिजिक्स करें या बायोलॉजी में एवोल्यूशन पर काम करें या कुछ किसी और चीज़ पर बायोलॉजी में काम करें, तो ऐसे लोगों की सेहत के लिए, मुल्क की सेहत के लिए और सब चीज़ों की सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और लोग जो ये सारे जहीन लोग जो हैं, मैंने बहुत जहीन लोग देखे हैं फिजिक्स में इस तरह से बर्बाद होते हुए कि इतना बड़ा बड़ा दिमाग आता है और हर किसी का ये ख्याल होता है कि उसने स्ट्रिंग थ्योरी करनी, पता नहीं कहाँ से ये लोगों के दिमाग में बैठ गया कि उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी करनी है, और वो अपने आप को तो ज़ाया करते ही करते हैं, जो भी मेरा अपना एक बायस है कि वो ज़ाया करते हैं, चले नहीं भी ज़ाया करते तो, लेकिन वो जो काम कौम के लिए या मुल्क के लिए या बाग और साइंसेस के लिए कर सकते थे वो नहीं करते। इस वक्त हम लोगों को, अब मेरी उम्र तो काफ़ी हो गई है लेकिन मुझे भी अगर कोई आगे काम करना है तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे
डीप लर्निंग की तरफ या बायोलॉजी की तरफ या इस तरफ मूव कर जाना चाहिए। सो लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि फिजिक्स इतनी एडवांस्ड हो गई है और आपकी जो कि आपने अगर वो पढ़ लिया है, बीएस कर लिया है, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, अब आपको कोई और डायरेक्शन ढूंढनी चाहिए जिसमें अपने आप को आप फैलाएं और उसमें काम करें, और ताकि आप लोग कोई ना कोई अभी बड़े नए आइडियाज आने वाले हैं बायोलॉजी में और वो बिल्कुल आम लोग देंगे। जिन लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करना है, उनको कुछ बातें समझ आ नहीं है, उन्होंने कोई बात कर देनी, लेकिन उसके बाद जब 100 साल गुजर जाएगा तो फिर यह बायोलॉजी भी वहां पहुंच जाएगी जहां फिजिक्स है। तो ये जो 100 साल है ये बायोलॉजी का है और इस तरफ लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। गालिबन यही क्वेश्चन था या क्या बात क्या हो रही थी? जी, बायोलॉजी में मैथ के इस्तेमाल पर ही सवाल था। इसके अलावा सर, एक अनडिफाइंड फॉर्म्स होती हैं जिस तरह 0x0 इस तरह की चीजें हैं मैथ में, इसके ऊपर भी कमेंट अगर कर सकें। एक क्वेश्चन है चैट में, आई एम नॉट श्योर के इसमें क्या कमेंट करना है। दीज आर अनडिफाइंड फॉर्म्स मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में जब आप कहते हैं कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो फिर ऐसी चीजें जो इस तरह की चीजें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता तो उनको आप मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं बनाते। तो 0x0 का कोई मतलब नहीं है। अगर 0x0 का कोई मतलब होता तो आप प्रूव कर सकते। हाँ, ये बात देखें ना, जब हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो ये एक बर्ट्रेंड रसल का एक कॉल है कि आप मुझे एक गलत स्टेटमेंट दे दें तो मैं आपको सारी गलत स्टेटमेंट्स सही करके दिखा सकता हूं। ये इस तरह की, ये मैंने पैराफ्रेज किया है कि एक एक गलत स्टेटमेंट जो है ना, इट बिगेट्स ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसमें किसी ने पूछा कि अच्छा चले मैं आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट देता हूं और मुझे प्रूव करके दिखाएं। रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि 1 = 2 और आप मुझे प्रूफ करके दें कि मैं और पोप जो हैं वो सेम आदमी है। उसने कहा तो बड़ी आसान बात है, आप और पोप दोनों एक कमरे में चले जाएं, दरवाजा बंद कर लें, 2 = 1, आप और पोप सेम है, राइट? तो अगर 0x0 का कोई मतलब है, अगर 0x0 का कोई मतलब है तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना वो आप जनरेट कर सकते हैं कि 1 = 2 या पोप एंड मी आर द सेम पर्सन और जिनका मतलब ये है कि इनका कोई मतलब नहीं है, अगर इनको आप मैथमेटिक्स में शामिल कर लेंगे मीनिंगफुली तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आनी शुरू हो जाएंगी या उसमें गलत कॉन्सिक्वेंसेज आप कोई भी कॉन्सिक्वेंस कोई भी चीज जो है उसको ठीक प्रूव कर सकते हैं। तो सर, इसी से रिलेटेड ये डॉक्टर हाशिम फारूक का भी क्वेश्चन है, इसको पहले भी बात की है हमने। कैन इन्फिनिटीज इन मैथमेटिक्स डिस्क्राइब फिजिकल वर्ल्ड? वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन में इन्फिनिटीज का किरदार क्या है? आई डोंट नो। अब ये इन्फिनिटीज जो है, एक तो आपके पास इन्फिनिटी है जो कंटिन्यूस इन्फिनिटी है, फिर आपके पास और किस्म की इन्फिनिटीज है, और कंटिन्यूम का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके किसी भी इंटरवल में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खास तरीके से है और एक खास स्ट्रक्चर भी उनमें मौजूद है। और तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग इन्फिनिटीज टू डिस्क्राइब आवर यूनिवर्स। आई मीन वो राइट और रॉन्ग की बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूम इज वेरी वेरी सक्सेसफुली डिस्क्राइबिंग वट एवर फिजिक्स वी लर्न एट द बीएस लेवल फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप बहुत आगे ना निकल जाएं तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जीआर है, क्वांटम मैकेनिक्स है, फील्ड थ्योरी भी है इवन, तो उसमें जो ये जो इन्फिनिटीज हैं ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर रही हैं अंडरलाइंग रियलिटी को। मिसाल इन्फिनिटीज में मेरी मुराद ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एक कोई कर्व ले लें तो उस पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो इन्फिनिट होंगे, कंटिन्यूसली इन्फिनिट होंगे। तो आई एम नॉट श्योर वट इज बींग आस्क, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपके पास कोई भी चीज़ असल में इन्फिनिट नहीं है। अगर आप स्पेस टाइम को निकाल दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दी आई मीन जो भी आप नंबर सोच सकते हैं, द प्रोबिबिलिटीज, बड़े बड़े नंबर लोग कैलकुलेट करते हैं कि जी लाइफ के स्पॉन होने की प्रॉबिबिलिटी एक्सीडेंटली क्या है, उसमें जो नंबर आते हैं छोटे या बड़े, अगर छोटा नंबर आता है तो इन्वर्स ले लें तो बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दोज नंबर्स आर फाइनाइट। तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि
कि जब आपके पास इस तरह की इन्फिनिटीज कहीं पे भी नहीं आ रही तो आपको इन्फिनिटीज बीच में डालने की ज़रूरत क्या है। तो लेकिन जहाँ तक जो चीज़ हमने डेवलप की हुई है उसमें इन्फिनिटीज जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से हमने इंकॉर्पोरेट की हुई है, अगर चाहे कुछ कुछ इन्फिनिटीज हैं जो हमें तकलीफ भी देती हैं। ऑलराइट, अगर और किसी का क्वेश्चन है तो हम लास्ट मेरे ख्याल 5 मिनट्स में इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन आप चैट में कर लें या हैंड रेज कर लें। जी डॉक्टर हाशिम फारूक आप करें बात। जी डॉक्टर हाशिम आप बात करें। जी 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 अली, मैं यार ये पूछना चाह रहा था कि जैसे फिजिक्स में हम कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स करते हैं और जनरल रिलेटिविटी में चले जाएं तो वो मजीद उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसके लिए मतलब किस तरह के हमें मैथमेटिकल ग्रिप होनी चाहिए कि या कम से कम किन किन चीज़ों पर, जैसे फोर वेक्टर्स हैं, टेंसर्स हैं, जनरल रिलेटिविटी को कम से कम अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन किन मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं उनको उनमें से गो थ्रू होना चाहिए। I'm not sure के एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरह से आंसर, इंटेंट क्या है क्वेश्चन की, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स पूछना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री आनी चाहिए, मैनिफोल्ड कैलकुलस आना चाहिए, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, और अगर आपने कुछ बहुत आगे जाना है, बहुत आगे कोई काम करना है, तो आपको न्यूमेरिकल रिलेटिविटी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑलराइट, अगर अब किसी का सवाल नहीं है तो सर मैं लास्ट पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हाँ स्कूलों और कॉलेजों में जो मैथ पढ़ाया जाता है वो उसके बाद भी हमारे स्टूडेंट्स की मैथ के अंदर इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती कि वो इन एडवांस टॉपिक्स को जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अप्रोच कर सकें। तो मैथ को अच्छा सीखने के लिए कोई मशवरा अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें सर। ये इसका जवाब तो 5 मिनट में नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और वो आमतौर पे वो कब आई डोंट नो करेंगे हम या नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है ना कि बहुत से लोगों ने इस पे बात की हुई है, और ये मैथमेटिकल बेसिकली मैथमेटिक्स की एजुकेशन का एक क्वेश्चन है। मैं जो बात करूँगा वो हो सकता है कुछ और ही हो बिल्कुल, लेकिन कई लोगों ने इस पे बात की हुई है, जो लोग मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने भी की हुई है, जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने भी की हुई है, और हर एक के मुताबिक कम से कम एक बात तय है कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है ना वो डेड है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं है, हमने स्कूल खोल दिए हुए हैं, वो जो कहते हैं कि हमने स्कूल खोल दिए हैं, ये हो गया कॉलेज हो गया यूनिवर्सिटी हो गया, हमारे यहाँ अगर कुछ थोड़ी बहुत एजुकेशन हो रही है तो कुछ सेंटर्स हैं कहीं पर लम्स या नस्त या कासिम यूनिवर्सिटी में कोई एक दो बंदे बैठे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान से, उनकी कोई इतनी खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है पढ़ाई की, वो बाहर से ही पढ़ के आए हुए हैं, और वो जो कुछ ले आए हैं वो कुछ आगे बताने की कोशिश करते रहते हैं, उनमें से कुछ लोग नीचे से जो है कुछ अच्छे स्कूलों से आ जाते हैं उनके पास, वो कुछ काम हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि अगर आपके पास तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं वो एक वक्त में पढ़ रहे हैं कहीं पे भी, तो उनमें से जो 38 लाख बच्चे हैं या 39 लाख बच्चे हैं वो, बल्कि मेरा ख्याल है कि सॉरी गलत कह रहा हूँ, 2 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और उनमें से कोई तकरीबन 20% बच्चे जो हैं वो मदरसों में पढ़ रहे हैं, और 80% बच्चे एक कोई ऐसे ही मेरा ख्याल है 10 लाख बच्चे छोड़ के या 15 लाख बच्चे छोड़ के जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो मदरसों में पढ़ रहे हैं या उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। सो ये सवाल पूछना चाहिए, हम उनको क्या बताएं कि हम मैथमेटिक्स कैसे ठीक करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एजुकेशन इज डेड। हाँ अगर आप पर्सनली पूछना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, और अब आप तो उस स्टेज से गुजर गए हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कि वो मैथमेटिक्स आगे सीख लें, तो पहली बात तो ये है कि अपने बच्चे को कभी ये मत कहें, अब ये मेरे बायस है अपना, कि अपने बच्चे को कभी ये मत कहें कि तुमने मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसको ये मत कहें कि तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर वो शायर बनना चाहता है तो उसे ये मत कहें
कि यार शायरी तो ऐसे क्या होता है, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपने ऑलरेडी अपना बच्चा जो है बेसिकली उसका जो कुछ करना था वो कर दिया हुआ है, इसलिए ये मत पूछे कि वो क्या करना चाहता है। हम में से अक्सर लोग जो मेरी जनरेशन के कम अज कम, वो इसलिए फिजिक्स में आए थे कि वो इंजीनियरिंग में जा नहीं सकते थे, तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स उनका मसला नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने जो आगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स करना था वो वही किया जो उन्होंने किया, इसलिए इस बात को छोड़ दें कि मैथमेटिक्स, हाँ जिस बंदे का अपना मसला हो मैथमेटिक्स का, जब वो मैथमेटिक्स करता है तो वो एक अलग मैथमेटिक्स होता है। जब आर्किमिडीज को वो आए थे ना लेने के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे, तो वो किसी मसले पे सोच रहा था, तो उसको उन्होंने कहा जी चलो उठो चलो, हम तुम्हें, हमें हमारे जो वो थे ना आर्किमिडीज का जो शहर था वो इट वो वॉर में लूज कर गया था, वो जंग हार गया था, तो वो जो दूसरा दूसरों का जनरल था उसने कहा पकड़ के लाओ आर्किमिडीज को, वो बैठा कोई मैथमेटिक्स कर रहा था, तो उसने जो आया उनका जो बंदा आया उसने कहा चलो जी जनरल बुला रहा है, उसने कहा यार तुम मुझे दो मिनट दो मैं कुछ चीज पे सोच रहा हूँ, तो उसने कहा तुम चलते हो कि नहीं, उसने कहा यार तू दो मिनट दे दे, तो उसने फिर कहा यार दो मिनट दे दे, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स में मजा आता है उनको मैथमेटिक्स में इस तरह से मजा आता है कि वो कहते हैं यार दो मिनट और आ जाए ना किसी स्टेट में, दो मिनट हम और गुजार लें, तो ये बड़ी मजे की बात है। जिन लोगों ने जबरदस्ती, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन लोगों का मतमा नज़र कुछ और था, जिन्होंने पैसे कमाने थे उसमें कोई गलत बात नहीं है, जिन लोगों ने शोहरत लेनी थी उसमें कोई गलत बात नहीं है, जिन लोगों ने कोई और काम करना था, कोई कोई बड़ा हेड बनना था किसी सिविल सर्विस का, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके और मैथमेटिक्स में आ गए, मैथमेटिक्स उनका मसला नहीं है, फिजिक्स उनका मसला नहीं है, वो कभी भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स कर नहीं सकते। ये बड़ी सीधी सी बात है, ये मुझ पर भी अप्लाई होती है, बाकी सारे लोगों पर भी अप्लाई होती है। तो अगर आपका बच्चा वाकई मैथमेटिक्स करना चाहता है तो फिर उसको मैथमेटिक्स कराएं, ऐसे बच्चे आगे चल के फिर मैथमेटिक्स करके दिखाते हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि आप एक माहौल बनाते हैं, वो माहौल वाली बात मैंने आपको बता दी ना, वो पाकिस्तान में एजुकेशन डेड है, उस माहौल वाली बात को छोड़ दें, कोई माहौल नहीं है पाकिस्तान में। ऑलराइट सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, मैं माजरत खाऊं कि स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा सा चैनलाइज नहीं कर पाए और आपको खुद ही आगाज करना पड़ा। नहीं कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर कभी आपको जहमत देने का अगर चांस बना तो उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे और हमारी दरख्वास्त पे पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी ऑडियंस के लिए ये जो हमारा प्रोग्राम है इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसका लिंक जो है वो फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, मुख्तलिफ जो साइंस की दुनिया है या साइंस एंड फिलोसफी ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर आपको इसका जो है वो लिंक भी मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।